कार में सवार होकर भेजोए रिश्तेदारी में आ रहे ग्रामीणों की कार सड़क किनारे खड़ी लकड़ी से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली में जोरदार तरीके से जा टकराई, जिससे कार के पड़खच्चे उड़ गए। कार में सवार चार ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें से दो की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर घायलों को सरकारी अस्पताल में उपचार के बाद चिकित्सक ने गंभीर हालत बताते हुए जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया। पुलिस ने मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया है। थाना धनारी के दिनोरा गांव से भूरे तथा एक अन्य साथी के साथ भेजोई रिश्तेदारी में जाने के लिए निकले थे। रात्रि में भेजोई बरवाला मार्ग स्थित गांव ढकारी के निकट पहुंचे तो सड़क किनारे लकड़ी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली में उनकी स्विफ्ट डिजायर कार अनियंत्रित होकर जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि टकराते ही कार के पड़खच्चे उड़ गए और कार ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे जा फंसी। उधर से गुजर रहे राहगीरों ने जब यह हादसा देखा तो मौके पर दर्जनों की भीड़ एकत्रित हो गई। उन्होंने इसकी सूचना थाना पुलिस व एम्बुलेंस 108 को दे दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को बामुश्किल कार से बाहर निकाला। उपचार के लिए भेजोई के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां पर चिकित्सक ने भूरे पुत्र चरण सिंह तथा उसके एक अज्ञात साथी को मृत घोषित कर दिया, जबकि घायलों को प्राथमिक उपचार करते हुए चिकित्सक ने गंभीर हालत में जिला अस्पताल संबर रेफर कर दिया। पुलिस ने मृतक ग्रामीणों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उप निरीक्षक संदीप बालियान ने बताया कि दो ग्रामीणों की मौत हो चुकी है, जिनका पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। थाना भेजोई के अंतर्गत ग्राम पाठकपुर के समीप मुरादाबाद अलीगढ़ हाईवे पर कल देर रात एक एक्सीडेंट हुआ, जिसमें खड़ी हुई ट्रैक्टर ट्रॉली जो पहिया उसका खराब हुआ था, इस वजह से खड़ी हुई थी, उसमें पीछे से आ रही एक अनियंत्रित स्विफ्ट डिजायर गाड़ी द्वारा टक्कर मारी गई। इसकी वजह से स्विफ्ट डिजायर में बैठे हुए तीन लोगों की मृत्यु हो गई और एक व्यक्ति घायल है, जिसका उपचार किया जा रहा है। अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।